ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाले चीन को अमेरिका के एक फैसले ने चिंता में डाल दिया है। चीन के साथ वन चाइना पॉलिसी अपनाने वाले अमेरिका ने ताइवान को 1.42 अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस आत्मशासी देश के साथ यह अपनी तरह का पहला सौदा है। ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाले चीन को अमेरिका के एक फैसले ने चिंता में डाल दिया है। चीन के साथ वन चाइना पॉलिसी अपनाने वाले अमेरिका ने ताइवान को 1.42 अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से इस आत्मशासी देश के साथ यह अपनी तरह का पहला सौदा है। हथियारों की बिक्री से चीन पूरी तरह नाराज हो सकता है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता आया है। वहीं अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि पूर्व चेतावनी रडार समेत ताइवान को बेचे जाने वाले हथियारों में 7 प्रकार के हथियार हैं, जिसमें रेडिएशन रोधी मिसाइल, टारपीडो और SM-2 मिसाइल के कलपुर्जे आदि शामिल हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता हीदर नॉट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को लगभग 1.42 अरब डॉलर मूल्य के 7 प्रस्तावित सौदों को मंजूरी देने के इरादे के बारे में सूचित कर दिया है। नॉट ने बताया कि इन सौदों की मंजूरी से ताइवान और अमेरिका के संबंधों से जुड़े ताइवान रिलेशंस एक्ट का उल्लंघन नहीं होता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने यह फैसला उस समय लिया जब राष्ट्रपति ट्रंप लगातार चीन से उत्तर कोरिया पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ताइवान के साथ इस सौदे से अमेरिका और चीन के रिश्तों में खटास जरूर आ सकती है, क्योंकि ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाले चीन को दरकिनार कर अमेरिका ने ताइवान के साथ अलग सौदा किया है। तो अब देखना होगा कि अमेरिका किस फैसले पर चीन क्या रुख अख्तियार करता है। देखते रहिए डीबी लाइव।